हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज फिर से एक नया डिज़ाइन बनाई हूँ मैं तीन कलर से। बहुत ही प्यारा लग रहा है बनने के बाद। तो आज ये बना के बताऊँगी कि कैसे बनेंगे। आप चाहें तो साड़ी चुन्नी से बनाएं तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, इतना ही फंदा में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करती हूँ और पहले सिलाई से ही आपको बताऊँगी, क्योंकि देखिए यहाँ से मैंने फंदे डाल के शुरुआत करी थी, उसी तरीके से ये लाइन बनके कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से फंदे कली शुरू होगी, तो यहाँ से डिजाइन बनना शुरू होगा, तो यहीं से मैं बताऊँगी। और देखिए मैंने फंदे कितने डाले हैं, मैं कम फंदे से ही बना के बता रही हूँ। आप चाहे जितना बड़ा बनाए उस हिसाब से आप फंदे ज़्यादा कम रख सकते हैं। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, तो मैं 22 फंदे के ये बनाई हूँ। 22 फंदे से तो काफ़ी बड़ा बन गया है, और ऊन से बनाई हूँ। आप साड़ी चुन्नी से बनाएंगे तो भी काफ़ी बड़ा बन जाएगा। आई अगर इससे ज़्यादा बना जाए तो 32 फंदे के आप बना लीजिए, 42 फंदे के बना लीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, और यहीं पहली सिलाई से आपको बता रही हूँ। तो देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए हम चार फंदे बुनेंगे। एक फंदा मैंने उतार लिया, ये 2, 3 और ये 4। ये बॉर्डर के लिए चार फंदे हमें ग्रीन कलर से ही रखना है, और बाकी अभी यहाँ से हम वाइट कलर से बुनेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 फंदे हम वाइट कलर से बुन लिए। अब यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 फंदे हम इस कलर से बुन लिए पिंक कलर से। अब हम 2 फंदे ये ग्रीन वाली छोड़ देंगे, क्योंकि ये जब लाइन बनेगी तो ये कंप्लीट हो जाएगी इसी कलर से। अब हम सीधी साइड से क्या करेंगे, जो जैसा कलर है उसी कलर से बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये 8 फंदे बुन लिए, फिर सिलाई को हम धागे को पीछे करेंगे, और ये वाइट वाली आगे लाके हम ये 8 फंदे बुन लेंगे। देखिए, और फिर से हम ये वाइट वाली पीछे करेंगे, और ये ग्रीन वाली आगे लाके ये 4 फंदे हैं जिसे हम बुन देंगे। ये 4 फंदे बुन के कंप्लीट कर लें। अब देखिए फिर से हम सीधी साइड से, अब देखिए फिर से ये 4 फंदे के 4 फंदे हम बुनेंगे, और बाकी हम ये वाइट कलर से बुनेंगे। बहुत ही सिंपल डिजाइन है, पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगी। दोस्तों पूरा पूरा वीडियो आप लोग देखा करिए। देखिए 2 फंदे छोड़ के सिलाई को यहीं से पलट दिए। अब सीधी साइड से हम सारे फंदे को जो जैसा कलर है उसी कलर से बुनते हुए कंप्लीट करेंगे।
इसको हम खींच के टाइट कर देंगे तो इसके ज्वाइन अच्छी बनी रहेगी। फिर से हम इसको पीछे करेंगे। इस तरह से हम चार फंदे हैं इसे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे। ये ग्रीन वाले चार फंदे हम ग्रीन से ही बुनेंगे। और बाकी हम व्हाइट से बुनेंगे ये आठ फंदे। बहुत अच्छी डिजाइन है, बनाने में भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और जल्द बन भी जाएगी। इसमें भी कोई झंझट नहीं है। फिर से हम दो फंदे छोड़ देंगे, सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। पिंक वाली पीछे कर दें, व्हाइट वाली आगे लाके व्हाइट से बुन लेंगे। इसको हम खींच देंगे। आठ फंदे ये बुन ली, इसके बाद इसको पीछे करेंगे, ग्रीन वाली लाके ये चार फंदे बुन लेंगे। तो इसी तरीके से ये बुन के कंप्लीट करो। तो देखिए दो दो चार फंदे मैंने छोड़ दिए, और दो दो चार फंदे और रह गए ये पिंक वाली। तो ये आठ फंदे मैं छोड़ लेती हूँ, दो दो करके, दो दो करके चार फंदे तो मैंने छोड़ ली और ये चार फंदे रह गए। तो इस चार फंदे में यहाँ तक फंदे छोड़ लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। बस कुछ नहीं करना, चार फंदे हमें ये वाली बुन लेनी है इसी कलर से, आठ फंदे हम व्हाइट वाली से बुनेंगे और ये पिंक वाली है। तो ये चार फंदे हैं, तो ये दो बार में मैं दो दो करके छोड़ लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब देखिए ये लास्ट सिलाई है। देखिए दो फंदे मैंने पहले छोड़ दिए थे, दो फंदे अब छोड़ूंगी। तो यहाँ पे दिखाने के लिए मैंने आपको ये रखा है। तो देखिए इस तरह से हम सिलाई पलट लेंगे, ये दो फंदे छोड़ देंगे और हम यहाँ पे इस तरीके से इसको धागे को क्रॉस करा लेंगे ताकि इसकी जॉइंट बनी रहे। इस तरीके से इसको हम खींच देंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको इसी तरीके से फंदे छोड़ देंगे। इसके बाद हम ये आठ फंदे बुन लेंगे व्हाइट कलर से। इसको बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। ये चार फंदे के चार फंदे हम बॉर्डर के लिए है, इसे बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। इसकी देखिए लाइन बहुत अच्छी बनी है। अब यहाँ से थोड़ा चेंज है, अलग तरीके के हैं। तो देखिए अब देखिए यहाँ से पहला फंदा उतारा और ये तीन फंदे हम बुनेंगे। देखिए दो तीन और ये चार। अब यहाँ से हम ये वाइट कलर से नहीं बुनेंगे, ये ग्रीन से ही बुनेंगे। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे हम ग्रीन से बुनेंगे, दो फंदे वाइट वाली छोड़ देंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। दो दो करते हुए देखिए ये आठ फंदे मैंने पिंक वाली छोड़ दी, दो तो शुरुआत में ही ग्रीन वाली छोड़ दी थी, तो ये दस फंदे हो गए। दो फंदे अब छोड़े तो ये बारह फंदे हो गए। अब बाकी फंदे अब बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। जब ये आठ फंदे पिंक वाली छोड़ जाए तो दो फंदे हमें व्हाइट वाली छोड़नी है याद से, और ये छः फंदे हमें व्हाइट वाली ग्रीन से बुन लेंगे। कंप्लीट हो गई इसलिए अब यहाँ से देखिए फिर से हम अब दो दो फंदे ग्रीन वाली छूट लेंगे।
क्योंकि अब वाइट वाली से नहीं बुन रही हूँ, ग्रीन से बुन रही हूँ, तो ये दो दो फंदे छूटेंगे। छोड़ दो फंदे, सिलाई को इनसे पलट लेंगे। पहला फंदा हम उतार के ही बुन देंगे, एक साइड से बुने जाएंगे, एक साइड से हम उतार लेंगे। फिर से हम दो फंदे छोड़ देंगे, सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। तो ये दो दो चार छः फंदे रह गए। फिर से हम दो फंदे छोड़ देंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। अब देखिए, अब ये दो फंदे रह जाएंगे, दो फंदे छोड़ देंगे, तो ये दो फंदे छोड़ दिए, सिलाई को इनसे पलट लेंगे, तो ये दो फंदे रह गए। अब देखिए, अब दो दो करते हुए मैंने यहाँ से यहाँ तक फंदे छोड़ लिए हैं, सारे फंदे को यहाँ से यहाँ तक मैंने छोड़ लिया है। अब क्या करना है, अब यहाँ से हम सारे फंदे को कम्प्लीट करेंगे गुंथे, जैसे ये लाइन बनी है वैसे ही अब ये लाइन बनी। पहला फंदा उतार लिया, देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस और ये बाईस। तो टोटल फंदे 22 फंदे डाले थे, 22 फंदे रह गए और डिजाइन बनके कंप्लीट भी हो गई। देखिए, अब एक सिलाई है सीधी साइड से, तो इसी तरीके से ये बनके कंप्लीट हो गया। सारे फंदे को इसी तरह से मैं बुन लेती हूँ उल्टे उल्टे, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये कंप्लीट हो गया। अब फिर से हम जैसे मैंने शुरुआत करी थी यहाँ से, वैसे फिर से हम शुरुआत करेंगे। चार फंदे ग्रीन के, एक बार और देख लीजिए। पहला फंदा उतारा और देखिए दो तीन और ये चार, चार फंदे बुन लिए। अब हम आठ फंदे ये वाइट से बुनेंगे, देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ। अब यहाँ से इस तरह से हम धागे को ले लेंगे और देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और लास्ट के दो फंदे हम छोड़ देंगे ग्रीन वाले। तो इसी तरीके से ये बन गए। तो देखिए, ये कली बन के कम्प्लीट हो गई है। अब हमें ये फंदे सारे कम करके यहाँ से सिल लेना है। देखिए, बनने के बाद बहुत ही काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये कम्प्लीट हो गया। इसी तरीके से बनेंगे, आप जितना बड़ा बनाएं उसी हिसाब से आप फंदे डाल सकते हैं। ज़्यादा फंदा अगर हम आप ज़्यादा फंदा रखते हैं तो ऊपर की साइड भी आपको ज़्यादा फंदा रखना पड़ेगा। जैसे मैंने चार फंदे रखे तो आप आठ फंदे छः फंदे फंदे के अनुसार रख सकते हैं। जैसे 40 फंदे तो आप आठ फंदे रख सकते हैं, 30 फंदे तो छः फंदे बढ़ाइएगा, मतलब दो फंदे एक्स्ट्रा लगाइएगा। तो चार फंदे यहाँ है तो 30 फंदे से अगर बनाएंगे आप तो आपको यहाँ दो फंदे बढ़ाना है। 40 फंदे से अगर बनाती हैं तो आपको आठ फंदे यहाँ रखना है और बाकी हम यहाँ पर अपना आधे आधे कर लेंगे। तो इसी तरीके से बनेंगे। तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर